नमस्कार दोस्तों, ड्रीम क्लास के चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इसे पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिकली शॉर्टकट की से लेकर एडवांस शॉर्टकट की प्रोवाइड की थी, और उसमें मैंने आपको एक वादा किया था कि मैं आपको एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक डिफरेंस और एक डेफिनेशन साथ में बताऊंगा। तो आइए जानते हैं एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर में डेफिनेशन क्या है और उनके डिफरेंसेस क्या है। जनरली दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर अगर मैंने बात की है तो आपको पता होगा कोई भी कंप्यूटर यूजर जो होता है वो दो तरीके से कंप्यूटर को यूज करता है। एक तो हमारा हो जाता है हार्डवेयर और एक हो जाता है हमारा सॉफ्टवेयर। अब ज्यादातर लोग बोलते हैं कि सर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये होता क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। और कोई भी अगर 12th पास स्टूडेंट किया होता है तो वो जनरली क्या सोचता है कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर बनाना और हार्डवेयर मतलब हार्डवेयर करना। तो दोस्तों, ये ऐसी चीज नहीं है, उनका एक बेसिक नॉलेज है। बट हार्डवेयर जो होता है वो कंप्यूटर मैक्सिमम जो रिपेयर होते हैं या जो सर्विस प्रोवाइडिंग होते हैं वो लोग ज्यादातर हार्डवेयर वर्क करते हैं। अब हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं, हमारे जो कंप्यूटर के पार्ट्स रहते हैं उन्हें हम कह सकते हैं हार्डवेयर। फॉर एग्जांपल, आप बोल रहे हो कि सर मॉनिटर है, सीपीयू है, उसके बाद कीबोर्ड है, माउस है, तो ये सब चीज़ हमारे हार्डवेयर पार्ट्स हैं जो बाय डिफॉल्टली आपके सामने फिजिकली हैं, जिन्हें आप देख सकते हो, छू सकते हो और उसी पे आप वर्क करते हो। ये हमारे हार्डवेयर के पार्ट्स हैं। तो दोस्तों, ये चार पार्ट तो आपको पता ही है, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस। अब छोटा से छोटा बच्चा भी ये जानता है। बट जनरली क्या होता है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स में एक मदरबोर्ड आ जाता है, रैम आती है और एक हार्ड डिस्क आ जाती है। तो वो चीज़ जो कंप्यूटर सीपीयू के अंदर रहती है वो चीज़ भी एक हार्डवेयर के पार्ट्स होते हैं, बट वो इंटरनली दिखाते हैं, जो सामने आपको प्रेजेंट नहीं, सामने आपको दिख नहीं सकते। बट बेसिकली है कि मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस आपके सामने शो करते हैं। अब ये मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस जो हमारा होता है वो भी एक हमारा एक ऐसे कह सकते हो कि इन चारों के बीच में एक वर्किंग प्रोसेस होती है, जो वर्किंग स्टाइल भी आप उसके कह सकते हो, यानी उनका एक काम करने का तरीका बन जाता है। उसमें फर्स्ट हमारा जो रहता है वो हमारा इनपुट डिवाइस रहता है, सेकंड नंबर पे हमारा रहता है प्रोसेसिंग डिवाइस, थर्ड पे हमारा रहता है आउटपुट डिवाइस। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर हमने यहाँ पे चार पार्ट लिखे, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, तो इनकी वर्किंग स्टाइल तीन कैसे है, चौथा पर्सन कहाँ पे गया, चौथा डिवाइस कहाँ पे गया। तो दोस्तों, इनपुट डिवाइस जो होता है उसमें आपके कीबोर्ड और माउस प्रोवाइड होते हैं, इवन आप इसमें स्कैनर प्रोवाइड कर सकते हो, और जो लोग गेम यूजर्स हैं, जो गेम जॉयस्टिक से खेल रहे हैं, वो भी इसी में इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि उसी से आप उसमें इनपुट करते हो। जबकि प्रोसेसिंग एक अकेला सीपीयू कर सकता है, क्योंकि सीपीयू पूरे कंप्यूटर का हमारा हार्ट एंड ब्रेन है, जो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है। और आउटपुट में आप जनरली जानते हो मॉनिटर, क्योंकि आप प्रेजेंट जो हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, वो आपके मॉनिटर पे हो रहा है, या तो एज अ आउटपुट आप देख रहे हो तो आपके प्रिंटर पे वो आउटपुट कर रहा है, या तो जनरली आ जाता है प्लॉटर करके, जो भी बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, जो बैनर मशीन्स होते हैं, प्रिंट निकलते हैं, वो प्लॉटर करके पहचाने जाते हैं। और इवन आप इसमें कह सकते हो एक स्पीकर जो होगा वो भी आपका एक आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट आउटपुट ऐसे बहुत सारे डिवाइस जनरली रहते हैं, बट हमने इसका एक बेसिकली समझा, इन्फो समझा कि हमने कैसे इसमें इनपुट आउटपुट को डिवाइड किया। दोस्तों, ये मैंने आपको यहाँ पे समझा पूरा एक हार्डवेयर पोर्शन। अब जैसे मैं बात कर रहा था सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपके पास फिजिकली नहीं होता है, वो एज अ डिजिटल में आप यूज करते हो उसको। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग यूजर हो, आप लोग मोबाइल यूज कर रहे हो, तो मोबाइल आपका एक हार्डवेयर है। लेकिन मैं आपको बोलूँ कि आप लोग व्हाट्सएप यूज करो तो क्या व्हाट्सएप वो फिजिकल डिवाइस है? नहीं, वो एक सॉफ्टवेयर है, ना कि वो हार्डवेयर है। क्योंकि व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक जो होता है वो एड एंड रिमूव होते हैं, मतलब आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं एंड अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जनरली सिंपल सी बात है कि कोई भी सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल और अनइंस्टॉल होता है। अब आप लोग जनरली जानोगे कि एप्लीकेशन और सिस्टम कैसे डिवाइड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूंगा सिस्टम सॉफ्टवेयर की। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, आप लोग अगर मोबाइल यूजर हैं जनरली हम बात करेंगे जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है, तो आप लोग जो फोन यूज करते हो उसमें आपने सुना होगा एंड्रॉइड करके सॉफ्टवेयर आता है, उसके बाद सुना होगा आप iOS फोन जो एप्पल फोन रहता है। तो ये कोई iOS फोन जो होता है उसकी कंपनी एक्चुअली में तो एप्पल कंपनी होती है, और एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर में तो आप जैसे देख लो, अगर आप वीवो में जाओगे तो भी वो आएगा, ओप्पो में जाओगे या MI यूज करो या सैमसंग यूज करो, तो उन सब में ये हमारा एंड्रॉइड वर्जन ही रहता है। ये जो एंड्रॉइड iOS है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। ये हमें कब शो करता है? जब आप किसी भी मोबाइल को रिस्टार्ट करो, बंद करो, चालू करो, तब आपका सिर्फ लिखा आता है पावर्ड बाय एंड्रॉइड। तो वो जो होता है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है।
अब जनरली आप जानते हो कि जो आप एंड्रॉयड यूज कर रहे हो वो गूगल प्लस एंड्रॉयड दोनों कंपनी ने मिलकर एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड किया है, बट ये जो वीवो ओप्पो सैमसंग एमआई है ये हमारी मोबाइल की कंपनी है। अब उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स आते हैं वो कैसे आते हैं, अगर आप एंड्रॉयड यूज करो तो किटकैट वर्जन आता है, फिर कुछ जेलीबीन वर्जन, ऐसे आप जनरली अलग अलग जानते हो, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे होते हैं, हर बार अपडेट होते रहते हैं। हम लोग जनरली मोबाइल यूज करें तो बार बार आता है सॉफ्टवेयर अपडेट सॉफ्टवेयर अपडेट, तो वो सॉफ्टवेयर अपडेट आपका ओएस अपडेट हो रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सेम एज इट इज अगर आप आईओएस की बात कर रहे हो तो आईओएस एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एप्पल कंपनी ने क्रिएट किया है, लेकिन उसका जो नाम होता है वो मैक ओएस करके होता है। हाँ, एक सिंपल सी बात है कि ये हमारे जो फिर उसमें आप ओएस देख रहे हो उबंटू करके आता है, उसमें जो यूनिक्स करके ओएस होता है, एक लिनक्स करके आता है और एक विंडोज करके आता है। विंडोज जनरली आप लोग यूज कर रहे हो तो आप में विंडोज एक्सपी होता है, फिर विंडोज 7 होता है, और अभी का जो लेटेस्ट हमारे लैपटॉप में चल रहा है विंडोज 10। इसी के अलावा आगे एक विंडोज 8 आया था, विंडोज विस्टा आया था। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं। ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब कंप्यूटर हो या मोबाइल हो उसको एक पूरा कंट्रोल करने के लिए मैनेज करने के लिए एक ओएस बनाया जाता है। अब कोई भी पर्सन ये ओएस के अंदर काम नहीं कर रहा होता है। अगर हम लोग कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ उसको कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ये ओएस बनते कैसे होंगे, तो ऑब्वियसली एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ही बना सकते हैं जो प्रॉपरली पूरी उसकी स्टडी करते हैं, जो उसकी स्टडी करने के बाद वो लोग इस पे स्टडी कर सकते हैं। वो कोडिंग लेवल की लैंग्वेज होती है जिसपे वो लोग सीख सकते हैं कि कैसे पूरा ओएस मेंटेन होता है। इवन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं, ये दोस्तों मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात की जिसमें आपने देखा ओएस करके ऑपरेटिंग सिस्टम था, वैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें आप वर्क करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप नोटपैड वर्ड एक्सेल या फिर आप पावर पॉइंट यूज कर रहे हो, या इवन आप टेली प्रोग्रामर हो या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आप वर्क कर रहे हो, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, नोटपैड प्लस प्लस। तो ये सब आपकी जो होती है वो एप्लीकेशंस होती है, क्योंकि ये एप्लीकेशंस कैसी होती है जिसमें आप एवरी टाइम फाइल को क्रिएट करते हो, फाइल में अपडेट करते हो और फाइल को चेंज करते हो, तो डेली बेस पे आप यूज कर रहे हो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें आप फाइल्स क्रिएट करते हो, फाइल को अपडेट करते हो, फाइल को चेंज करते हो, या एवरी टाइम आप उसमें फाइल को स्टोर करते हो, तो ये चीज आपकी होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जनरली दोस्तों इसमें और एक बात आती है कि जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं एप्लीकेशन एंड सिस्टम, जनरली एक सॉफ्टवेयर कैसा हो जाता है, अपडेट एंड अपग्रेड। अब जनरली आप जानते हो कि अपडेट एंड अपग्रेड, लेकिन कुछ लोग ज्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं कि अपडेट एंड अपग्रेड दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोस्तों इसका भी एक डिफरेंस आपको बता दूंगा, अपडेट एंड अपग्रेड का डिफरेंस क्या होगा। जनरली जो अपडेट होता है वो आपका कैसा, कोई भी बेसिक सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो आपके अपडेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग एक व्हाट्सएप यूज कर रहे हो तो कुछ एक महीने बाद अगर व्हाट्सएप ने कुछ नया फीचर्स उसमें रखा होगा तो वो क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने व्हाट्सएप देखा तो उसमें भी हम लोग व्हाट्सएप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, तो उसका एक ऑप्शन उसने अपडेट किया। तो जनरली सिंपल, जब आप व्हाट्सएप एप्लीकेशन अपडेट कर रहे हो, या फिर एग्जांपल ले लेते हैं कि एमएस ऑफिस आप यूज कर रहे हो 2003 का, उसके बाद आपने 2007 डाल दिया, तो वो चीज आपकी अपडेट हो जाती है क्योंकि 2003 को आपने रिमूव कर दिया और 2007 को अपडेट किया। हाँ दोस्तों एक बात करूंगा कि अगर जब आप एप्लीकेशन को अपडेट कर रहे हो तो उसको ओएस कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ओएस तो बाय डिफॉल्ट एक फिक्स रहता है। अगर आप ओएस को अपडेट करना चाहते हो तो उसको अपग्रेड कहा जाता है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरा अपग्रेड होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक टाइम पे सिर्फ विंडो एक्सपी यूज कर रहा हूँ मेरे कंप्यूटर पे, अब मुझे लग रहा है कि नहीं मुझे टेक्नोलॉजी के हिसाब से आगे बढ़ना है तो मुझे क्या करना होगा, उसमें विंडोज 7 डलवाना होगा, तो वो ना कि अपडेट हुआ, मुझे अपग्रेड करवाना पड़ा। अपग्रेड में क्या हो जाता है, पूरा विंडो एक्सपी पूरा अनइंस्टॉल हो जाता है, रिमूव हो जाता है, उसी के साथ साथ मेरा कंप्यूटर पूरा फॉर्मेट हो जाता है, उसी के बाद मैं उसमें विंडोज 7 को पूरा इंस्टॉल कर सकता हूँ, और विंडोज 7 के बाद अगर मैं विंडोज 10 भी डालता हूँ तो वो चीज़ अपग्रेड में आ जाती है। यही सेम चीज़ अगर आप मोबाइल यूजर्स हो तो उसमें भी यही चीज़ होती है कि आप अपनी एप्लीकेशंस को बार बार अपडेट कर रहे हो, व्हाट्सएप इंस्टा फेसबुक, तो वो ओनली एप्लीकेशंस अपडेट हो रही है, ना कि आपके सिस्टम में कोई चेंज होगा। फॉर एग्जांपल हम लोग एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं, एंड्रॉयड में अपने अगर अपने जेलीबीन यूज कर रहे हो तो जब आपकी एप्लीकेशन अपडेट आती है तो वो कंपलसरी एप्लीकेशन ही अपडेट हो रही है, एंड्रॉयड सिस्टम अपडेट नहीं होगी। एंड्रॉयड सिस्टम जब अपडेट कब होती है, जब आप उसको अपग्रेड करते हो। अब इसका एक बेसिक डेमो आपको दे देता हूँ कि कैसे वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग फर्स्ट ईयर के कॉलेज में, फर्स्ट ईयर कॉलेज में अब आ गए हैं, कोई भी है, बीकॉम है, बीबी है, बीसी है, उसकी दो टाइप की आपकी एग्जाम रहती है, एक तो आपकी रहेगी इंटरनल और दूसरी आपकी रहेगी एक्सटर्नल।
अब फॉर एग्जाम्पल इंटरनल में आपके एग्जाम्स 20 आते हैं और आप थोड़ा ज्यादा स्टडी करके एक्सटर्नल में आप 70 या 60 जितने भी आप मार्क्स लाते हैं, तो ये आपका चीज क्या हुआ, आपने अपडेट किया नॉलेज को कि आपके जो 20 मार्क्स थे जहां जहां पे आपकी मिस्टेक्स थी उनको बार बार आपने रिपीट करके रिविजन करके पढ़ाई करके आपने उसको 60 लेके आए, मतलब आपने इसको अपडेट किया कहा जाता है। जबकि वही फर्स्ट ईयर से आप अगर डायरेक्ट सेकंड ईयर में जा रहे हो तो ये आपका अपग्रेड होता है कि आप फर्स्ट ईयर में से क्लियर करके उसको सेकंड ईयर की स्टडी कर रहे हो। लेकिन अगर आप इंटरनल एक्सटर्नल में स्टडी कर रहे हो यानी फर्स्ट ईयर में हो तो जो चीज आपने इंटरनल में बेसिक सीखी, फॉर एग्जांपल इंटरनल में अपन इंटरनल में हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए तो वही चीज आपके एक्सटर्नल में 4 चैप्टर हो जाएंगे। तो इसमें ये चीज हुई, जो भी हमने इंटरनल में सीखा वही वापस एक्सटर्नल में तो पूछा ही जाएगा, ऐसा तो नहीं कि एक्सटर्नल पूरा अलग हो जाएगा डायरेक्ट सेम टू का या सेम थ्री का आ जाएगा। तो वो चीज इसमें होती है अपडेट एंड अपग्रेड के, ये आपको बेसिक एक एग्जांपल देने के लिए जिससे आप इजीली अपडेट और अपग्रेड को समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ मेरा था आपके सामने एक सॉफ्टवेयर अपडेट यानी एप्लीकेशन सिस्टम किसे कहा जाता है और कैसे वर्क करता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली में फ्रेंड्स में शेयर कीजिए जिससे उनको कंप्यूटर का एक बेसिक से एडवांस नॉलेज पता चल सके, और वो भी जैसे आज की ट्रेंडिंग दुनिया के साथ साथ टेक्नोलॉजी की जैसे आगे बढ़ रही है तो आप लोग भी कुछ ना कुछ सीख के उसमें अगर मास्टर बन सके। धन्यवाद।